प्रति और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस टैरो 369 में। सो गाइज, आज हम जो करने वाले हैं रीडिंग, वो थर्ड पार्टी अपडेट होने वाली है। यहाँ पर मैंने दो पाइल्स रखे हैं गाइज, आप अपनी चॉइस का एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये देखिए गाइज, यहाँ पर दो पाइल्स मैंने रखे हैं, एक है स्काई ब्लू क्रिस्टल और दूसरा है पिंक क्रिस्टल। Alright, so this would be pile number 1 and this would be pile number 2. So आपकी सुविधा के लिए मैं 2 मिनट के लिए ऐसे रखती हूँ, आई मीन कुछ सेकेंड्स के लिए ऐसे रखती हूँ। आप देख लीजिए, अपना पाइल चूज कर लीजिए। राइट, ओके गाइज, आई होप आपने अपना पाइल चूज कर लिया है। तो अब हम थर्ड पार्टी अपडेट निकालेंगे और मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूंगी पाइल नंबर 1 से। ठीक है, राइट, तो हम पाइल नंबर 1 को रख देते हैं और अभी के लिए इसको हम साइड में रख देते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो चलिए गाइज अपनी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ओके, सो गाइज, जब तक मैं करती हूँ कार्ड की शफलिंग, आप प्लीज़ थोड़ा मेडिटेट कर लीजिए और रीडिंग में जो भी निकल कर आए आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है गाइज। ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है ऑल टाइम, आई मीन ऑल साइंस एंड ऑल एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, चलिए यूनिवर्स, माय गाइड, माय गॉड, माय एंजल्स, प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें यूनिवर्स कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। राइट, एंड वी हैव फर्स्ट कार्ड, फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें, स्पिरिट, एंजल्स प्लीज हेल्प अस गेट करेक्ट कार्ड्स, एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, राइट, ओके, ओहो, ओ माय गॉड, बहुत हैवी एनर्जीज हैं। ओके, ठीक है, चलिए गाइस कार्ड्स को सॉर्ट कर लेते हैं। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एंड इट वॉज लाइक दिस, राइट, सो विल टेक इट लाइक दिस। ओके, सी गाइज, ये चल रहा है पाइल नंबर 1, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो गाइज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट सारे ही साइंस हैं गाइज। ओके, वन मोर कार्ड एंड वी हैव वन मोर कार्ड हियर। ऑलराइट, सो यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैज नहीं है, है, यस, एरीज, लियो, सैज, यस। सो गाइज, हमारे पास यहाँ पर सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, ठीक है गाइज, तो चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। तो यहाँ पर गाइज, रीडिंग को देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ भी अच्छा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आए हैं जो बताते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें कुछ खास अच्छी नहीं हैं। सो गाइज, यहाँ पर जो एनर्जीज निकल कर आई हैं उनसे तो क्लियरली ये समझ में आता है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही हैं। ठीक है जी, ओके, सो गाइज, यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि फर्स्ट कार्ड इटसेल्फ सेज कि आपके जो पार्टनर हैं गाइज, देखिए यहाँ पर हमारे पास 5 की एनर्जी है, यहाँ पर भी हमारे पास 5 की एनर्जी है। सो इन दोनों कार्ड्स को अगर हम देखते हैं गाइज, तो ये देखिए क्लियरली इसे समझ में आता है आपके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला किया हुआ था जिन्होंने, अगर आप इस कार्ड को ऐसे देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर जो आपको 5 कप्स दिखाई देते हैं,
तो ये सिर्फ ये गिरे हुए कप्स को देख रहे हैं, जो पीछे अभी भी कप्स हैं उनको ये नहीं देख रहे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा, ये देखिए ब्लैक मतलब नेगेटिव एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट की एनर्जी में है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपना प्यार खो दिया, ये इस फीलिंग में थे अब तक कि इन्होंने इनका जो ट्रू लव है वो इन्होंने खो दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको, मुझे ऐसा फील आता है इस कार्ड को महसूस करते हैं तब, कि इनको शायद ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी से इनके जो इन्होंने जो सोचा था वैसा कुछ इनको नहीं मिल पाया है, और इनका जो ट्रू लव था वो इन्होंने खो दिया है। अब इनको रिग्रेट है कि इन्होंने जो आपके साथ किया है वो इन्होंने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, लेकिन अभी आपके पास आए तो आए कैसे। ये अपने इस रिलेशन से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं गाइस। ये देखिए, ये जो इंसान है ये इस रिलेशन से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, लेकिन पैरेलली ये इस सिचुएशन से थोड़ा सा बाहर निकल कर आए हैं और इन्होंने खुद को संभालने की कोशिश अब की है। व्हील ऑफ फॉर्चून से गाइज हमें ये पता चलता है कि इनका ये जो साइकिल है, ये जो इनका कार्मिक साइकिल है, ये यहाँ पे ख़त्म होने वाला है और बहुत जल्दी इनका जो है नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है। ओके ये जो इनका प्यार का कप था, ये किसी को देना चाहते थे अपना प्यार का कप, और अब इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपॉर्चुनिटी लूज कर दिया है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पार्टनर यहाँ पर फाइनेंशियल क्रंच से भी जूझ रहे हैं गाइस, जिनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच भी हुआ है और हाल ही में उनको फाइनेंशियल कुछ बहुत बड़ा लॉस भी हुआ है। यहाँ पर ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि आपके जो पर्सन हैं उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया है और अब उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, वो इस रिलेशन में बिल्कुल भी खुश नहीं है। शायद गाइस आपके जो पार्टनर हैं वो आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देखते हैं, जो बहुत ही स्मार्ट है, सेल्फ कॉन्फिडेंट से भरा हुआ इंसान है, बहुत ही खूबसूरत है, और जो आत्मनिर्भर है, जो खुद से सेल्फ ड्रिवन है, आत्मनिर्भर है, बहुत सुंदर है, स्मार्ट है और सारी चीज़ों को खुद से हैंडल करना जानते हैं। तो यहाँ पर गाइज आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो इस तरह से देखते हैं, आपको वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देखते हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी इसलिए निकल कर आई है गाइज, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत सोचते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर जो हैं एक कुछ शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो अपॉर्चुनिटी उन्होंने लूज़ कर दी है वो उसके साथ वो वापस से नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ चाह रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई एक्शन का कार्ड निकल कर नहीं आया है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है गाइस, यहाँ पर बहुत सारे इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारा इन दोनों के बीच में टॉक्सिक रिलेशन जो है वो समझ में आता है। एक ऐसा रिलेशन जहाँ पर कि ये दोनों हो सकता है कि एक दूसरे के साथ में आर्ग्यूमेंट्स में एक दूसरे को अब्यूजिव लैंग्वेज भी यहाँ पर ये लोग यूज़ करते होंगे, ऐसा यहाँ पर समझ में आता है। ये जो दोनों हैं इनका जो आपस में तालमेल है वो इस कदर बिगड़ चुका है कि ये एक दूसरे की बात को सुनना तक पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई एक इंसान कोई दूसरे इंसान को कुछ बोलना चाहता होगा यहाँ पर, तो वो दूसरा इंसान बात सुनता ही नहीं होगा, वो सिर्फ जो उसको लगता है वही सिचुएशन को वो इंसान यहाँ पर सच मानता होगा। और इस बिहेवियर के चलते यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए मुझे नज़र आते हैं गाइस। आपके पार्टनर एक छोटी सी शुरुआत करना चाहते हैं यहाँ पर आपके साथ, उनको लगता है कि जो उन्होंने खो दिया है उसके पास उनको वापस जाना चाहिए, और यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो मुझे वॉक अवे करते हुए दिख रहे हैं। इस रिलेशन से वो मुझे वॉक अवे करते हुए दिख रहे हैं गाइस। फिलहाल आपके जो पार्टनर हैं बहुत दर्द में हैं, बहुत पेन में हैं, ऐसा लगता है कि उनको जो जो चीज़ें उन्होंने सोची थी या जो उनके एक्सपेक्टेशंस थे थर्ड पार्टी को लेकर, वो बिल्कुल भी पूरे नहीं हुए हैं, बल्कि जो उन्होंने नहीं सोचा है शायद वो फैक्ट्स कहीं हो सकता है उनके सामने आए हों। यहाँ पर गाइस हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो
ऐसा लगता है कि शायद थर्ड पार्टी या फिर आपके पार्टनर, इन दोनों में से कोई एक कोई ऐसा इंसान है जिसने यहाँ पर फाइनेंशियली दूसरे की बहुत हेल्प की है, और यहाँ पर को डिपेंडेंसी का भी एक जो फैक्टर है वो मुझे नज़र आता है। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोगों के लिए कि आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन से यहाँ पर डील कर रहे हैं गाइज, जो कि अपने घर में प्रोवाइडर हैं, उनकी फैमिली में वो प्रोवाइडर हैं। ऑलराइट, सो गाइज, यहाँ पर ऐसी भी फीलिंग आती है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में गाइज कुछ बचा नहीं है, प्यार के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है, ज़ीरो इन दोनों का जो है रिलेशन है, प्यार तो यहाँ पर कहीं से कहीं तक है ही नहीं इन दोनों के बीच में। और थोड़ा बहुत जो इनके बीच में, अगर अगर ये लोग नेम सेक भी एक दूसरे के साथ में रह रहे होंगे, तो वो रिलेशन भी अब पूरा ख़त्म होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आता है गाइस। यहाँ पर इन दोनों के रिलेशन में अब कुछ भी नहीं बचा है, इट्स ऑल 0-0, कुछ इनका नहीं बचा है गाइस। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर 10 नंबर देखिए गाइस, किस तरह आपसे रेजोनेट करता है या किस तरह आपसे रिलेट करता है। 10 नंबर में हो सकता है आपके आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो, या मंथ ऑफ बर्थ हो, या इतने मंथ से या इतने वीक से आप अलग हो गए हो, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये भी पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि विद इन 5 to 10 months आपके पार्टनर, या फिर विद इन 5 to 10 weeks आपके जो पार्टनर हैं वो मुझे वापस आते हुए नज़र आते हैं। ठीक है गाइज, तो जानने की कोशिश करते हैं गाइज कि अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं और ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और आपके लिए ऐसे में क्या गाइडेंस है। तो एक बार मूनोलॉजी से थोड़ा सा गाइडेंस ले लेते हैं गाइज। यूनिवर्स प्लीज़ कुछ गाइडेंस दे दीजिए कि ऐसे में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। यूनिवर्स गाइड माई गॉड माई एंजल्स, आपके जो पार्टनर हैं गाइज वो मुझे बिल्कुल ठीक कंडीशन में नज़र नहीं आते। हो सकता है कि उनकी हेल्थ भी ठीक ना हो और उनकी हेल्थ भी ख़राब हो इस वक्त। सो गाइज, हो सके तो प्लीज़ पॉजिटिव एनर्जीज थोड़ा सेंड करिए ताकि आपके पार्टनर जो हैं इन सारी चीज़ों से बाहर निकल आए। ओके गाइज, यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी टू कार्ड्स। ओके, सो हियर वी गो, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। सो गाइज, अगर आप अपने पार्टनर के लिए कुछ भी थोड़ा सा निगेटिव सोच रहे हैं तो प्लीज़ मत सोचिए, निगेटिविटी को बिल्कुल रिलीज़ कर देना है गाइज, क्योंकि आपके पार्टनर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हो सकता है उनकी तबीयत भी ठीक ना हो इस वक्त। तो जितना हो सकता है गाइज़ प्लीज़ पॉजिटिविटी उनको सेंड करिए। एंड वी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सो गाइज़, आप अपने ड्रीम्स में फेथ रखिए, आपके पार्टनर आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। और बहुत सारे लोगों के लिए गाइस 5 to 10 months में ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाएं, और कई लोगों के लिए मई मंथ में आ जाएंगे, और बहुत सारे लोगों के लिए अक्टूबर के मंथ में ये वापस आ जाएंगे। एंड बॉटम ऑफ द टेक, वी हैव अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। सो गाइज, यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आप बहुत सारा टाइम टू गिव रादर देन टेक, आप अपने पार्टनर को बहुत सारा प्यार भेजिए, बहुत सारे एनर्जीज भेजिए। प्यार भेजिए इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि आप अभी फ़ोन उठाकर और कॉल कर देंगे या मैसेज कर देंगे उनको दैट आई लव यू एंड आई मिस यू, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। आप मेडिटेट करिए, अपने आप पे काम करिए, अपना इनर वर्क करिए, उनको बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जीज भेजिए, और अगर वो आपको कॉल करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा प्यार से बात करिए, दैट्स इट, और फिर आपके जो प्यार की गाड़ी है वो आगे चल पड़ेगी। ठीक है जी, तो अब तक के लिए यही थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। हे एवरीवन, so here we go, pile number 2, that's your pile, and we are going to start your reading now. So आपके क्रिस्टल को रख देते हैं यहाँ पर, और जानने की कोशिश करते हैं पाइल नंबर 2 कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। जब तक मैं करती हूँ कार्ड की शफलिंग, प्लीज़ थोड़ा सा मेडिटेट कर लीजिए, और रीडिंग में जो भी आए गाइज आपको पॉजिटिव रहना है। ये जो रीडिंग है सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स के लिए होने वाली है, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं बस उतने ही रखने हैं, और जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं उनको किसी और के लिए छोड़ देना है। ठीक है जी, ओके।
सो माई गाइड माई गॉड माई एंजल्स प्लीज डिवाइनली गाइड करें. ओके एरीज लियो सैज कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरीज लियो सैज All right, okay. Five of Pentacles in reverse. Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. Death, the High Priestess, Six of Pentacles, Chariot in reverse, and we have Ace of Wands. Okay, guys, bottom of the deck we have Nine of Swords. So, guys, चलिए यहाँ पर हम करते हैं reading शुरू और okay, just a moment, guys. ओके सो गाइज यहाँ पर आपकी रीडिंग हम करते हैं शुरू. और तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है गाइज? आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में यहाँ पर कुछ चीज़ें ठीक दिखाई नहीं दे रही हैं. आपके जो पार्टनर हैं और थर्ड पार्टी है उनके बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर मुझे होते हुए दिखाई दे रही हैं गाइज. यहाँ पर बिल्कुल भी इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिखाई दे रहा है. ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत सारी चीज़ों में खुद को बैलेंस करते हुए और ख़ुद को गार्ड करते हुए दिखाई देते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि जिन भी सराउंडिंग्स में आपके पार्टनर हैं इस वक्त वो सराउंडिंग्स उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर रही हैं और वो अपने आप को गार्ड करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. ऐसा लगता है कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं बैलेंस बनाने की चीज़ों में लेकिन वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है. ऐसा लगता है यहाँ पर गाइज इस रीडिंग को देखकर मुझे कि बहुत ही स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल के लिए रीडिंग निकल कर आई है. आपके जो पार्टनर हैं गाइज अगर वो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देख रहे थे अपने लिए तो अब वो ऑप्शंस नहीं देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी नहीं कर रहे हैं. अगर वो कुछ टाइम से बीमार थे तो वो अब रिकवर हो रहे हैं और अपने पेन से बाहर आ रहे हैं. यहाँ पर गाइज आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी के पीछे बहुत ज़्यादा जा रहे थे और बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट इन द कोर्ट ऐसा फील कर रहे थे तो अब वो वैसा फील नहीं कर रहे हैं और अब उन्होंने थर्ड पार्टी को मतलब चेस करना छोड़ दिया है. यहाँ पर गाइज आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो भी रिलेशन है ऐसा लगता है कि वो रिलेशन में एकदम स्टेगनेंसी आ चुकी है और ना तो वो रिलेशन बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है. एकदम ठहराव सा आ गया है उस रिलेशन में. उस रिलेशन में कुछ बचा नहीं है ऐसा यहाँ पर महसूस होता है. आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी इंसान है वो बहुत किसी मतलब से जैसे कोई अनड्यू एडवांटेज किसी का लेता है इस तरह से मुझे यहाँ पर दिखाई देता है. आपके पार्टनर बैलेंस करते करते इतना ज़्यादा तंग आ चुके हैं कि वो रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं. ये देखिए गाइज अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना चाहते हैं. ये देखिए हमारे पास हाई प्रिस्टस का कार्ड है. चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट महसूस करना चाहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है उनके लाइफ में. और ये भी हो सकता है कि वो चीज़ों को महसूस करते भी होंगे और बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके सामने आते भी होंगे. इसीलिए अब वो कन्फ्यूजन की जो स्टेट ऑफ माइंड था अगर आप इस कार्ड को सीधा देखते हैं तो यहाँ पर देखिए इंसान कितना कन्फ्यूज़ है.
यहाँ जाए यहाँ जाए यहाँ जाए या यहाँ जाए, उसको पता, उसको मतलब बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। यहाँ पर मोती है, यहाँ पर स्नैक है, यहाँ पर देखिए पर्ल्स हैं, तो कहाँ जाए? यहाँ पर एक ब्यूटीफुल लड़की है तो कहाँ जाए? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में ये इंसान थे, मतलब डायरेक्शन लेस हो गए थे। तो अब ये इंसान इस कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर गाइज आपके पार्टनर को बैलेंस बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा उस स्टेट को कवर अप करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने के बाद शायद वो थोड़ा सा कहीं कुछ एक बैलेंस की सिचुएशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, और बैलेंस आ रहा है या तो फिर बहुत जल्दी बैलेंस आने वाला है। एक पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आई एम श्योर कि ये स्टार्ट को शायद आप ही के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ तो इन्होंने विक्ट्री सोची थी, लेकिन विक्ट्री तो इनको कहीं कुछ मिली नहीं, उल्टा इनको सारा सब कुछ पेन ही मिला है यहाँ पे। और इतना इस कदर इनको यहाँ पर पेन मिला है कि ये उस पेन से बर्डन फील करने लगे हैं। ये देखिए गाइस, बैक टू बैक हमारे पास कार्ड्स हैं। यहाँ पर देखिए गाइस, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में इनके, और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर गाइस कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर जो हैं वो घर छोड़कर जाते हुए भी मुझे यहाँ से दिखाई देते हैं, या उस सिचुएशन को छोड़कर ये मूव ऑन करते हुए मुझे दिखाई देते हैं थर्ड पार्टी से। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस बहुत कुछ अच्छी सिचुएशन यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आती है आपके और थर्ड पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। आपके पार्टनर अगर कुछ फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे थे, तो अब मुझे लगता है कि वो फाइनेंशियल क्रंच से बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे। ऑलराइट, सो गाइस चलिए अब कुछ गाइडेंस निकाल लेते हैं आपके लिए कि ऐसे में आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऑलराइट, एंड वी हैव कार्ड नंबर 2। सो गाइस ओके, सो वी हैव 3 कार्ड्स हियर। ऑलराइट, यू एंड योर लव वंस आर सेफ। सो गाइस यहाँ पर यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप और आपके जो भी प्रियजन हैं वो सेफ हैं। सेकेंड कार्ड इज़ बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपने जो सोचा भी नहीं होगा वो हो सकता है, सो प्लीज़ बिलीव इन इम्पॉसिबल और मिरेकल्स में विश्वास रखिए। होल्ड योर विजन, जो भी आपका विजन है उसमें विश्वास रखिए और अपने विजन को पकड़ कर चलिए गाइज। अपना इनर वर्क करते रहिए, अपने जो पार्टनर हैं उनको एनर्जी भेजते रहिए। इमोशंस आर रनिंग हाई। ऑलराइट, सो गाइज आपके जो पार्टनर हैं उनके इमोशंस बहुत हाई हैं इस वक्त, और उनको आपके मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है एनर्जी लेवल पे। सो गाइज प्लीज़ अपने पार्टनर को सपोर्ट करिए। ऑलराइट, उनको पॉजिटिव वाइब्स भेजिए, पॉजिटिव एनर्जी भेजिए। सो गाइज यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।